नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक और प्रशासनिक जिलों के 19 अध्यक्षों की घोषणा कर दी है और इसमें महिलाओं और युवाओं को भी तरजीह दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर यह कहना है कि सभी तजुर्बेकार और अनुभवी कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और इन सभी अध्यक्षों की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी बेहद मजबूती के साथ आगे बढ़ती नजर आएगी। जल्दी सभी जिला अध्यक्ष पदभार को ग्रहण करने वाले हैं और जिला व मंडल स्तर पर इन सभी जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी। आपको बताएं उत्तराखंड की खबर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जिले के 19 अध्यक्षों की घोषणा की है और जल्दी सभी जिला अध्यक्ष पदभार ग्रहण करेंगे। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि इन तमाम तरीकों से जो पार्टी है वो मजबूत होगी और पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आने वाली है। जिलों में यानी कि 19 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा हुई है। जो जिले के अध्यक्ष होते हैं, जो पार्टी को आगे लेकर जाएंगे, पार्टी के कार्य को आगे लेकर जाएंगे और धरातल पर पार्टी को मजबूत करते हुए नजर आने वाले होंगे और जल्दी सभी जिला अध्यक्ष यहां पर पदभार ग्रहण करेंगे और जिनको जिस जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तमाम अध्यक्ष उन जिलों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को लेकर जाने वाले होंगे और पार्टी किस तरह से आगे कार्य करेगी और अगर पार्टी ने जो मैनिफेस्टो तैयार किया है उनमें से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पूरी की हैं, उन तमाम चीज़ों को भी लोगों तक पहुंचाया जाएगा ताकि चुनाव में इसका फायदा मिल सके। भारतीय जनता पार्टी ने आपको बताएं 19 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा की है और जल्दी सभी जो अध्यक्ष हैं वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इससे पहले चुनाव को लेकर भी लगातार तैयारियां चल रही हैं, जिसके मद्देनजर अलग अलग तरीके से जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं और जिले स्तर पर पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए और जिले के साथ साथ तमाम गांव पंचायत ब्लॉकों में पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए, इन जिला अध्यक्षों के ऊपर निर्भर रहेगा। और ये तमाम 19 जिला अध्यक्ष जो घोषित हुए हैं, जिनकी घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की है, वो पदभार ग्रहण करेंगे और जल्दी सभी अध्यक्ष जो हैं वो पदभार ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। इसी खबर को लेकर हमारे साथ सुभाष गौर जी, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, क्योंकि 19 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा हुई है और जल्दी खबर आ रही है ये अध्यक्ष जो है अपना पदभार ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि 2024 की जो तैयारी है वो करती हुई नजर आती है भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में। और यही वजह है कि संगठन में जो फेरबदल करने थे, खासतौर से अगर बात की जाए जिलों में जो फेरबदल करने थे, वो फेरबदल संगठन की तरफ से कर लिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि संगठनात्मक जो जिले थे वो पहले भारतीय जनता पार्टी में केवल 14 हुआ करते थे, जिनको बढ़ाकर 19 कर दिया गया था और 19 जो जिले बनाए गए थे संगठन के लिहाज से, उन सभी में अब जो प्रदेश अध्यक्ष है यानी कि जो उसके मुखिया होंगे जिलों के, वो पूरी तरीके से बदल दिए गए। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि युवाओं को बहुत ज्यादा इस बार मौका दिया गया है कि वो जिले को संभाले और सरकार और संगठन की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको अपने जिले में आम जनता तक पहुंचाएं। जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको मजबूत करने की जो तैयारी भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से करती भी नजर आ रही थी और लगातार जो उनका संगठन मजबूत उत्तराखंड में होता हुआ नजर आ रहा था, उस पर अब क्योंकि युवाओं को भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, इसके साथ ही महिलाओं पर भी बड़ी जिम्मेदारी इस बार संगठन की तरफ से दी गई है कि उनको भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सभी विभागों में अगर बात की जाए महिलाओं को लेकर, बिल्कुल, लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो नए अध्यक्ष हैं उनका चयन किया गया है तो उसमें लगभग सभी जो जिले हैं संगठन के, उन जिलों में जो युवा चेहरे हैं उनको मौका देने की कोशिश संगठन की तरफ से किया गया था। और ये केवल अभी नहीं बल्कि जब से ही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के नए अध्यक्ष बनाए गए थे महेंद्र भट्ट, उन्होंने घोषणा भी की थी कि युवाओं को सबसे ज्यादा इस संगठन में मौका दिया जाएगा, युवाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि युवाओं से ही प्रदेश को युवाओं की जरूरत है और जिस तरीके से युवा बेहतर काम करते हुए नजर आएंगे तो शायद संगठन में भी अब युवाओं की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण रहेगी। और यही वजह है कि लगभग 50% युवाओं को बीजेपी ने इस बार अपने संगठन में मौका दिया और जिले की जो कमान है वो उनको दिया, यानी कि जिले में तमाम जो कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं चाहे वो संगठन की तरफ से है या सरकार की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को धरातल में उतारने की जिम्मेदारी अब जिला अध्यक्षों की होगी और जल्द ही सभी जो जिला अध्यक्ष हैं
वो कहीं ना कहीं प्रदेश कार्यालय यानी कि उत्तराखंड की जो प्रदेश कार्यालय है बीजेपी वहां मौजूद होंगे और अपने जिले की जो जिम्मेदारी है वो भी संभालते हुए अब नजर आएंगे। जी बिल्कुल सुभाष, एक महत्वपूर्ण बात आपसे ये समझना चाहेंगे, अगर बात की जाए महिलाओं को लेकर, दरअसल कांग्रेस पार्टी हो भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम लोग जो है वो महिलाओं को लेकर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को लेकर नजरअंदाज सियासत में कई अरसे तक किया गया है। क्या ये एक नया ट्रेंड जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है कि महिलाओं को तरजीह दी जाए, महिला विधानसभा में जाए, महिलाएं लोकसभा में जाए और महिलाएं महिलाओं का अब प्रतिनिधित्व करती हुई नजर आए? सुभाष जी बिल्कुल, महिलाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी कहा जा सकता है कि महिलाओं को भी उत्तराखंड में मौका देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं इस पूरे मसले से हटकर एक अलग बात समझाने की कोशिश करूंगा कि महिलाओं की जिम्मेदारी उत्तराखंड में क्यों ज्यादा जरूरी है। ये माना जा सकता है कि महिलाओं के क्षेत्रीय आरक्षण को लेकर उत्तराखंड के जो हाईकोर्ट है, नैनीताल हाईकोर्ट, उसने अपील की थी कि जो आरक्षण है वो खत्म कर देना चाहिए, जिसके तर्ज पर उत्तराखंड सरकार यानी कि जो बीजेपी की सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची और इस फैसले पे, हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था इस फैसले पर स्टे लेकर आई है और इसके बाद इसे कानूनी रूप में तैयार करने की वो कोशिश भी करती हुई नजर आ रही है। और आगामी जो विधानसभा सत्र है उस सत्र के दौरान महिलाओं का जो क्षेत्रीय आरक्षण है उसको लेकर वो विधानसभा में बिल लाएंगी। यानी कि ये साफ है कि बीजेपी सरकार ये चाहती है कि उत्तराखंड में जो महिलाएं हैं उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए। और जैसे कि आपका सवाल था कि महिलाओं को विधानसभा, लोकसभा जैसी जो बड़ी चुनावी सीटें होती हैं, सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मौका देना चाहिए, तो बीजेपी कोशिश कर रही है और बीजेपी लगातार, क्योंकि लोकसभा की केवल 5 ही सीटें उत्तराखंड में और उन 5 में से 1 सीट पर महिला सांसद है, यानी कि कहा जा सकता है कि बीजेपी इस कोशिश में है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, चाहे वो संगठन के तौर पे हो, चाहे सरकार के तौर पर हो, चाहे लोकसभा की सीटों पर हो या फिर विधानसभा की सीटों पर, महिलाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की कोशिश बीजेपी उत्तराखंड में करती हुई नजर आती है। और उसकी शुरुआत उत्तराखंड में महिला स्पीकर यानी कि जो विधानसभा अध्यक्ष है उसे महिला बनाकर बीजेपी ने शुरुआत कर दी थी। जी चलिए सुभाष, आप हमारे साथ लगातार बने रहे, इसको लेकर बाइट भी आई है, क्या कुछ है वो दरअसल दर्शकों को सुनवाते हैं और उसके बाद जो है आपसे और इस खबर को लेकर अपडेट लेते हैं। देखिए बिल्कुल, संगठन की मजबूती देने हेतु जिस भी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाती है वो अपनी कार्य अपनी जिम्मेदारी का बहुत अच्छे ढंग से निर्वहन करता है। साथ में ही क्योंकि आज जिलाध्यक्षों की घोषणा हुई है, जिन भी कार्यकर्ताओं को ये आज जिलाध्यक्ष घोषित किया गया है उनको सर्वप्रथम तो मैं बधाई देती हूँ और संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा एक संगठन का ढांचा है। साथ में महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इसमें 2 महिलाओं को बहुत ही अहम जिम्मेदारी दी। बिल्कुल सुभाष, आपने सुना किस तरह से मधु भट्ट भी कहती हुई नजर आ रही है, महिलाओं को तरजीह दी जा रही है और महिलाओं को आगे रखा जा रहा है। अगर बात की जाए सुभाष महिलाओं के साथ साथ युवाओं को लेकर भी कांग्रेस पार्टी लगातार भारत जोड़ो यात्रा निकालती हुई नजर आ रही है और उसमें बेरोजगारी का मुद्दा बड़े पैमाने पर दिखाती नजर आ रही है। युवाओं को राजनीति से जोड़ना, युवाओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना, क्या कांग्रेस पार्टी को एक झटका लगेगा? क्या कांग्रेस पार्टी जो उत्तराखंड का ट्रेंड था, 5 साल कांग्रेस, 5 साल भारतीय जनता पार्टी, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनाव में तोड़ा है। क्या आगे अगर भारतीय जनता पार्टी युवाओं को, महिलाओं को ले रही है, कांग्रेस पार्टी को भी एक झटका युवाओं की तरफ से भी सुभाष लग सकता है? जी बिल्कुल लग सकता है और यही वजह है कि जो कांग्रेस है वो पूरी तरीके से उत्तराखंड में खत्म होती हुई नजर आ रही है। और जैसे कि आपने बताया कि एक बार बीजेपी की सरकार बनती है और एक बार कांग्रेस की, वो भ्रम जरूर बीजेपी ने इस बार तोड़ा है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि लोकसभा की जो सीटें होती हैं, लोकसभा का जब चुनाव होता तब भी उत्तराखंड में ऐसी स्थिति बनती थी जिसको बीजेपी ने 2017 में तोड़ के दिखाया था। लेकिन जैसे कि आपने कहा, युवाओं को और जिस तरीके से बीजेपी ने अपने संगठन में बदलाव किए उसको लेकर विपक्ष की क्या रुख है? सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि विपक्ष यानी कि उत्तराखंड में जो महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका निभाती है वो है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी के जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मेहरा, वो अभी तक अपनी नई टीम का चयन नहीं कर पाए हैं और यही वजह मानी जा सकती है कि जो गुटबाजी है वो कितनी ज्यादा कांग्रेस के अंदर ज्यादा दिखने को नजर आती है। और
इसी वजह से जो पार्टी के बड़े नेता हैं कांग्रेस के, चाहे वो हरीश रावत हो उनका गुट अलग चलता है, प्रीतम सिंह है उनका गुट अलग चलता है, और क्योंकि करण मेहरा प्रदेश अध्यक्ष है तो उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि एकजुट लोगों को करना है, लेकिन उनका गुट भी अब अलग नजर आता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि विपक्ष किसी भी कटाक्ष करने की स्थिति में बीजेपी पे संगठन के तौर से तो नजर नहीं आता, लेकिन कटाक्ष जरूर करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने की वो बात करते हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन युवाओं और महिलाओं पर उनका कोई ये कहा जा सकता कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको नहीं दी जाती थी, लेकिन जैसे ही नए विधानसभा अध्यक्ष महिला को बनाया गया उसके बाद कहीं ना कहीं वो उन बातों को भी छुपाने की कोशिश कर रही है कि उनकी पार्टी में महिलाओं को कितना टिकट दिया जाता है, उनकी महिलाओं में उनकी पार्टी में महिलाओं को कितनी संगठन में जगह दी जाती है, लेकिन जगह तो दूर की बात है, अभी तक उनके संगठन का विस्तार नहीं हो पाया और उसकी मुख्य वजह है उस पार्टी की गुटबाजी, और उस गुटबाजी के चलते ना तो नए प्रदेश अध्यक्ष किसी तरीके की पार्टी में संगठन में सुधार कर पा रहे हैं और ना ही किसी तरीके का बदलाव। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस संगठन के तौर पर बड़ी कमजोर जरूर नजर आती है, लेकिन जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा एक विशाल यात्रा और ये कहा जा सकता है कि बेहतर यात्रा के तौर पर कांग्रेस कर रही है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं सहारा ये माना जा सकता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूती से उत्तराखंड में इस तरीके की यात्रा निकालकर इस तरीके के मुद्दों को उठाकर जरूर सरकार को घेरती हुई नजर आएगी, लेकिन जब सरकार को घेरने की जरूरत होती है शायद उस समय कांग्रेस कहीं ना कहीं विफल नजर आती है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि आगामी समय में 2024 में लोकसभा के चुनाव। हाँ ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा, आप बने रहे हमारे साथ। विनोद सोयाल जो है प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर, और पहला सवाल मेरा यही, 19 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा की गई, क्या एक नई रूपरेखा भारतीय जनता पार्टी को 19 जिलों या कहे उत्तराखंड में मिलती हुई नजर आएगी? निश्चित रूप से हमारा संगठन एक सतत चलने वाला और एक गतिमान संगठन बना रहे, इसलिए उसमें सभी तरह का समावेश, युवाओं को उसमें विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया है, सभी सभी समाज के सभी लोगों का उसमें सभी को प्रतिनिधित्व दिया गया है, और इस तरह से ये संगठन चुस्त दुरुस्त रहे और जनता की सेवा में जो जनता ने जो जनादेश और जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है वो प्राप्त होता रहे और लोगों की सेवा में हमारे कार्यकर्ता जुटे रहे, इसलिए संगठन को गतिमान बनाए रखने के लिए लगातार ये प्रयास जारी। लेकिन विनोद जी आपकी पार्टी तो बेहतर कर रही थी उत्तराखंड में, आखिर क्या जरूरत पड़ गई 19 जिलों के नए जिला अध्यक्षों को नियुक्त करना भारतीय जनता पार्टी ने कहां जरूरी समझा? नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी में क्योंकि अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त हो चुका था, 3 वर्ष का कार्यकाल था, अब नया कार्यकाल प्रारंभ हो रहा है, इसलिए उनकी नियुक्ति की गई है, नए अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, यहाँ सभी को काम के अवसर दिए जाते हैं, ये कोई कांग्रेस की तरह कोई खानदानी पार्टी नहीं है, अन्य राजनीतिक दलों की तरह कोई खानदानी पार्टी नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो अपने अब जो अध्यक्ष हैं वो भी नियुक्त कर दिए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दरअसल वो दूसरी बात है, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये विनोद जी, अगर बात की जाए महिलाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी फोकस दिखाती हुई नजर आ रही है, युवाओं को लेकर फोकस दिखा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी का मुद्दा लगातार उठा रही है, भारत जोड़ो यात्रा लगातार करती हुई नजर आ रही है, क्या चुनौती कांग्रेस पार्टी से आगामी लोकसभा चुनाव में मिलती हुई नजर आएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक जर्जर ढांचा हो चुका है, वो अपने आप को ही नहीं जोड़ पा रहा है, तो वो भारत क्या जोड़ेंगे? भारत पहले जुड़ा है नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, देश ने जो मानबिंद स्थापित हुए हैं और जिस तरह से देश का मान और सम्मान विश्व के अंदर बढ़ा है उससे भारत जुड़ रहा है, भारत का गौरव भी बढ़ रहा है। कांग्रेस पार्टी केवल ढोंग कर रही है, मुझे लगता है कि उनका आपस में ही अभी जुड़ाव नहीं है, अगर उत्तराखंड के अंदर देखेंगे तो उनका प्रभारी कुछ और बयान देते हैं, तो उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुछ और बयान देते हैं, कोई कुछ और बयान देते हैं, तो क्या क्या भारत जोड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जो समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित है, जिसके पास समर्पित कार्यकर्ताओं की एक फौज है। लेकिन विनोद जी संक्षेप में आपसे एक सवाल और उसका जवाब चाहूंगा, अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी का लगातार मुद्दा उठा रही है और ये इस बात को लेकर वो पूरे देश के अंदर आंदोलन भी करती हुई नजर आ रही है, क्या आपको लग रहा है 2024 लोकसभा बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा इस देश के अंदर होता हुआ नजर आएगा? नहीं, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में निश्चित रूप से नौजवानों ने नरेंद्र भाई मोदी के रूप में एक ऐसा दिव्य पुरुष भारत को मिला है जिसमें सभी युवाओं का भरोसा है और रोजगार के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाए जा रहे हैं, सबको सरकारी नौकरी तो नहीं दी जा सकती है, लेकिन उसके अलावा जो भारत सरकार ने योजनाएं प्रारंभ की है, राज्य सरकारों ने योजनाएं प्रारंभ की है, और जिस तरह से दो वर्ष से कोविड की महामारी थी उसके बाद भी देश की अर्थव्यवस्था जो है तो छठे पायदान पर पूरे वर्ल्ड के अंदर है,
मुझे लगता है इससे अच्छा नेतृत्व कोई हो नहीं सकता है। चलिए विनोद जी आप हमारे साथ बने रहे, सुभाष जी भी हमारे जो ब्यूरो चीफ है उत्तराखंड से वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सुभाष जी अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी को लेकर, जिस तरह से विनोद जी भी कह रहे हैं कि जो पीएम नरेंद्र मोदी की जो छवि है, जो उनका नेतृत्व है और उत्तराखंड के अंदर धामी सरकार जो लगातार विकास से कार्य कर रही है, उसका असर 2024 में दिखता हुआ नजर आएगा, या फिर कांग्रेस पार्टी जिस तरह से विरोध करती हुई नजर आ रही है सड़क से लेकर संसद तक, बीते दिनों हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी अपना विरोध दर्ज करवा रही है, क्या उसका असर खास उत्तराखंड की अगर बात की जाए 5 लोकसभा सीटों पर पड़ता हुआ नजर आएगा? सुभाष बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि 2024 की जो लड़ाई है, यानी कि जो राजनीतिक लड़ाई है बीजेपी कांग्रेस की उत्तराखंड में, शायद उसमें विपक्ष को मजबूत होने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी लगातार संगठन में बदलाव कर रही है, संगठन को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है, खासतौर से बूथ लेवल पर, क्योंकि ये माना जा सकता है कि संगठन की जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है चुनाव को लेकर, और उस चुनाव में यदि संगठन मजबूत होगा तो शायद पार्टी को उसका फायदा मिलेगा, और यही वजह है कि बीजेपी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा जैसी यात्रा निकाल कर कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो जनता है, चाहे वो दूर दराज के क्षेत्र हो, चमोली जनपद हो, कुमाऊं मंडल का पिथौरागढ़ का जनपद हो, तो इन क्षेत्रों में लोगों से मिलने की जो कोशिश वो कर रही है, कवायद कर रही है, शायद उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिले। लेकिन कांग्रेस को भी जरूरत है अपनी पार्टी को एकजुट करने की, अभी सभी नेताओं को एकजुट करने की, शायद कांग्रेस उसमें सफल हुई तो ये दूर की बात नहीं होगी कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो नतीजों से अलग उत्तराखंड में नजर आए। लेकिन यदि संगठन की लड़ाई कांग्रेस में लगातार जारी रही तो शायद बीजेपी एक बार फिर बाजी मार लेगी जी। लेकिन सुभाष अगर बात की जाए, संगठन में बदलाव तो हो रहा है, वो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, वो हर एक पार्टी का अपना निजी मामला होता है, लेकिन घोटालों को लेकर भी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है, चाहे विधानसभा भर्ती घोटाला हो या UK SSC का जो है पूरा मामला हो, क्या इसका असर भी 2024 में पड़ता दिखाई दे सकता है सुभाष जी? बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आम जनता से जुड़े हुए, और ये कहा जा सकता है कि UK SSC का जो मसला था उसको लेकर जो युवा है वो काफी नाराज राज्य सरकार से थे, और राज्य सरकार से वो मांग भी कर रहे थे कि जो भर्ती घोटाले में खासतौर से जो आरोपी हैं उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और विपक्ष भी जरूर इस पर कहीं ना कहीं ये कहता हुआ नजर आ रहा था कि सरकार की नाकामियों की वजह से इस तरीके की घपला परीक्षा में हुआ है। लेकिन बड़ी चुनौती यह है कि 2024 में क्या इसका असर पड़ेगा, जैसा कि आपका सवाल था, तो महत्वपूर्ण चीज है कि आम जनता से जुड़े सभी मुद्दों पर कहीं ना कहीं फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन जरूरत यह है कि राज्य सरकार किस तरीके से इन मसलों पर से निपटती है और किस तरीके के फैसले आगामी दिनों में लेती है। लेकिन जिस तरीके से UK SSC में लगातार परीक्षाओं में घपले और घोटाले होते हुए नजर आ रहे थे, तो उसके बाद से ही राज्य सरकार चाहती है कि वो परीक्षाएं दोबारा कराई जाए, बेहतर तरीके से कराई जाए और उत्तराखंड के युवाओं को एक बार फिर से मौका दिया जाए। ठीक है सुभाष, आपके पास लौटूंगा। ठीक है, हमारे साथ मधु भट्ट प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी जो है वो जुड़ चुकी है। मधु जी स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर, और पहला सवाल, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को तरजीह दे रही है, कैसे देखती हैं? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से महिलाओं को तरजीह दे रही है हमारी सरकार हर तरीके से। देखिए आप, संगठन में हमारे अभी दूरस्थ क्षेत्र की पौड़ी जनपद, आपके रानीखेत, वहाँ पर महिलाओं को संगठन के रूप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी वहाँ पर मिली है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। साथ ही में महिलाओं को लेकर हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील है, बहुत विभिन्न मुद्दों पर, चाहे हर स्तर पर महिलाओं को लेकर ही योजनाएं बनाई जाती हैं, अधिकतर युवाओं को लेकर बनाई जाती हैं, और उसमें महिलाओं की अधिक से अधिक सहभागिता हो, ये हमारा संगठन भी और ये हमारी सरकार सुनिश्चित करती है। निश्चित रूप से आने वाले तो आगामी वर्षों में देखिएगा उन योजनाओं का लाभ बहुत ही बृहद स्तर पर मिलने वाला है। लेकिन मधु जी, महिलाओं को लेकर जो महिलाएं रसोई में काम करती हैं, उनका कहना है 400-500 रुपए का सिलेंडर आता था, 1000 का हो गया। देखिए निश्चित रूप से, देखिए महंगाई जहाँ अगर कहीं ऐसा है कि सिलेंडर के लिए घरेलू आपके उज्ज्वला गैस के तहत हमने फ्री में भी कनेक्शन दिए हैं उज्ज्वला गैस के तहत, तो जो गरीब जो कई लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने की और उस सब्सिडी को भी त्यागा है, तो हमारी सरकार जो है वो जनता के साथ है और कहीं भी किसी भी स्तर पे किसी को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है
और हर प्रकार से संवेदनशील। लेकिन मधु जी, अगर राजनीतिक तौर पर बात की जाए, कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि बेरोजगारी उत्तराखंड पूरे देश के अंदर बढ़ी हुई है, महंगाई पूरे देश के अंदर उत्तराखंड के अंदर बढ़ी हुई है, पेट्रोल में आग पूरे देश में उत्तराखंड में बढ़ी हुई है, क्या 19 जिला अध्यक्षों की घोषणा करने से और एक नई जो आपकी टीम है वो तैयार करने से ये तमाम मुद्दे उत्तराखंड के अंदर दबते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, हमारा ये संगठन का चुनाव हमारी संगठनिक की ये प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत जिलाध्यक्षों का जो है चुनाव होता है। हमारे बूथ स्तर का कार्यकर्ता बहुत ही मजबूती के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। ये देखिए, ये हमारा संगठन का चुनाव है, साथ ही क्योंकि सरकार और संगठन के बीच में सामंजस्य बना रहता है। संगठन जो है वो जनता के बीच में अगर कोई समस्याएं हैं डायरेक्ट अगर वो सरकार से नहीं कह पा रहे तो ये अपने संगठन के माध्यम से वो कहते हैं और हम निश्चित रूप से उन कमियों को पूरा करते हैं। आने वाले समय में क्योंकि अभी आने वाले समय में जो चुनाव है उसको देखते हुए भी अगर कहीं कोई कमी रह गई हो तो इसको सरकार और संगठन उसको मिलकर दूर करेगा। और जो भी मुद्दे हैं, देखिए अभी आप कह रहे हैं बेरोजगारी मुद्दा, उससे भी हमारी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। अभी बहुत सारे जितनी सारी भर्तियां ओपन कर दी गई हैं और उसमें कहीं पारदर्शिता लाने के लिए अगर कहीं कोई बातें सामने आई है उन बातों के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं पहल की है। तो हमने कुछ चाहते हैं कि हम किसी युवा के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी अहित ना हो, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। ठीक है मधु जी, एक महिला होने के नाते आपसे समझना चाहूंगा, क्या ये जो टाइम चल रहा है महिलाओं को लेकर राजनीति में एक गोल्डन पीरियड चल रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर सियासत की जिक्र किया जाए, कांग्रेस पार्टी भी वहां पर विधानसभा के लोकसभा के चुनाव में और जो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ वहां पर बड़े बड़े वादे करती हुई नजर आ रही थी कि विधानसभा के चुनाव में सीटें जो है महिलाओं को दे रही है। इधर भारतीय जनता पार्टी भी महिलाओं के लिए कार्य कर रही है, महिला होने के नाते आप कैसे देखती हैं? जो वोट बैंक जो है माना जाता था, एक 50% महिलाएं से वोट के तौर पर देखी जाती थी, आज उनको उनकी जगह मिल रही है, कैसे देखती है मधु जी? देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से हमारी, देखिए राज्यसभा सांसद जो है हमारी कल्पना सैनी जी बनी है निश्चित रूप से, और हमारी राजा जो हमारी लक्ष्मी शाह जी है रानी, वो इतने अच्छे तरीके से अपने 2 बार बल्कि लगातार बनी है, तो वो जीते तो महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और आने वाले समय जो भी हमारे विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें भी महिला जीत कर आई है, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। और संगठन में भी और सरकार में भी और विभिन्न दायित्वों में भी हमारी महिलाएं हैं और आगे भी आने वाले समय में जहाँ भी महिलाओं की आवश्यकता होगी बिल्कुल सरकार उसमें प्राथमिकता के साथ महिलाओं को दर्जा देगी। चलिए मधु जी, आप हमारे साथ बने रहे। सुभाष हमारे अभिरुचि उत्तराखंड से वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। सुभाष, अगर बात की जाए, मधु जी का भी साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं को लेकर ये जो वक्त चल रहा है सियासत में एक बेहतर वक्त है, क्योंकि हर एक पार्टी महिलाओं को साधने की लगातार कोशिश कर रही है और वो वोट ना दे, वो वोट ले, वो वोट हासिल करे, विधानसभा लोकसभा और तमाम जो संस्थाएं हैं उसमें जाएं और महिलाओं के हित की बात करते हुए नजर आए। क्या आपको लग रहा है 2024 लोकसभा के अंदर एक बड़े पैमाने पर महिलाओं को हर एक पार्टी जो है वो अपना प्रत्याशी घोषित करती हुई नजर आ सकती है? सुभाष जी, बिल्कुल ये माना जा सकता है कि बिल्कुल जिस तरीके से बीजेपी ने अपने संगठन में महिलाओं को जिम्मेदारी दी है और ये कहा जा सकता है कि ना केवल संगठन में बल्कि सरकार में महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई और ये कोशिश वो कर रहे हैं कि बूथ लेवल पर भी वो महिलाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दें, तो शायद इसका जो असर है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के उत्तराखंड में उस चुनाव को लेकर जरूर पड़ता हुआ नजर आएगा। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी ऊर्जा भरने की कोशिश बीजेपी करते हुए नजर आएगी कि जो महिलाएं हैं उनको भी मौका दिया जाता है, जो युवा है उनको भी मौका दिया जाता है और एक आम जो कार्यकर्ता है उसको भी मौका दिया जाता है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनाव की तैयारियों में लग गई है 2024 के चुनाव में, लेकिन वहीं विपक्ष की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है कि चुनाव के साथ ही वो अपने संगठन को भी मजबूत करने की कोशिश करे। जी सुभाष, एक और सवाल आपसे समझना चाहेंगे, जो जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए क्या एक जातीय समीकरण जो है वो भी यहाँ पर सत्ता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, बिना जाति समीकरण के किसी तरीके से भी भारतीय जनता पार्टी कोई भी फैसला नहीं लेती है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और ये कहा जा सकता है कि तमाम जो समीकरण बनाने हैं उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाता है। ये ना केवल आज है बल्कि विधानसभा में जब टिकट दिए जाते हैं तब भी भारतीय जनता पार्टी बड़ा सोच समझ के टिकट देती है और कई तरीके के सर्वे करवाकर फिर टिकट देती है। और यही वजह है कि
जरूर युवाओं को मौके दिए गए हैं, जरूर महिलाओं को मौके दिए गए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चीज यह है कि कहीं बुजुर्गों को भी इस संगठन में मौका दिया गया है। और इसके साथ ही जैसे कि आपने कहा कि पूरी तरीके से सोच समझकर, चाहे वो जाति के समीकरण हो फिर या फिर क्षेत्रीय समीकरण, सभी समीकरणों को देखते हुए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। और ये कहा जा सकता है कि अब उनके पास एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी गई है कि पार्टी को मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है, और अपने जिले में आगामी जो भी कार्यक्रम, चाहे वो राज्य सरकार के हो, केंद्र सरकार के हो या फिर संगठन के, उनको बेहतर से बेहतर तरीके से करवाना है। तो तमाम जिम्मेदारियों के साथ ही सभी समीकरणों को देखते हुए सबकी नियुक्ति की गई है। जी बिल्कुल सुभाष, अगर बात की जाए जिला अध्यक्ष को लेकर, उनका लाजमी काम है पार्टी को लेकर धरातल पर मजबूती प्रदान करना। क्या जो तमाम काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है, जो उनके मैनिफेस्टो में वो काम थे जो वो धरातल पर नहीं कर पाए, जिन वादों के साथ वो जनता के बीच में चुनाव में गए थे, क्या उन वादों को अब इनकी जिम्मेदारी होगी कि अपने जिले के अंदर नियुक्त करवाएं और पार्टी को लेकर धरातल पर मजबूती के साथ उभरते हुए नजर आए? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि चुनाव में जाने से पहले बीजेपी ने जो घोषणा पत्र में घोषणाएं की थी प्रदेश की जनता से, उन घोषणाओं को पूरा कराने की जिम्मेदारी तो है, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की बन जाती है कि राज्य सरकार किस तरीके से जो घोषणाएं संगठन की तरफ से, सरकार की तरफ से और चुनाव में जाने से पहले नेताओं ने किए थे, उन जो घोषणाएं हैं उन घोषणाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार के साथ ही समन्वय में बना के संगठन भी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएगा कि सभी घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए और समय से पहले जनता को दिखाया जाए कि उन्होंने जो वादे जनता के साथ किए थे उन वादों को पर वो खरी उतरी है और सभी वादों को वो पूरी करती हुई नजर आ रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। सुभाष गौड़ ब्यूरो चीफ उत्तराखंड हमारे साथ जुड़े और विस्तार पूर्वक उन्होंने बताया और समझाया कि किस तरह से जो पूरी प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 19 जिला अध्यक्षों की घोषणा की जा चुकी है और सभी जिला अध्यक्ष अब जल्दी पदभार ग्रहण करेंगे। क्या इससे जमीनी स्तर पर, धरातल पर और ज्यादा भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी और लोकसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा, इसके ऊपर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।